आपका ये जो चैप्टर 23 शुरू होगा यहाँ से भी आपका मैं बता दूं दो या तीन क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, इसमें कोई शक नहीं है। और कैसे क्वेश्चन आपका बनता है और किस राज्य में कैसा क्वेश्चन बना है और बिहार कैसा बना सकता है, वही मुख्य रूप से इस समय जानना है। और 16 दिन अभी बचे हैं, इसके बाद आपका 7 फरवरी को एग्जाम है। तो आपका सबको सलाह दी जाती है कि 16 दिन पूरे तरीके से लग जाइए, अभी समय है। ये 16 दिन भाई कम नहीं होते, मैं बता दूं, पढ़ने वालों के लिए 16 दिन बहुत है और न पढ़ने वालों के लिए साल भर भी कम पड़ जाएगा, ये भी बता दिया है। तो 16 दिन में आपका वीडियो भी कुछ देखते रहिए और जितना पढ़ाया जाए बस इतना ही तैयार रखिए, अभी ज़्यादा के चक्कर में ना पड़िए। आपका 7 फरवरी के बाद स्पेशल बैच एक दो मेंस के लगेंगे, वो मजबूरी लगाना पड़ेगा। आपका 2 बैच तो कम से कम, क्योंकि 1 बैच से स्थिति संभालने वाली नहीं है। तो आइए देखा जाए 272, यहाँ से आपका कई बार क्वेश्चन बना है और वह आपका यानी कि उत्तराखंड से लेकर और एमपी में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। बैठिए आगे, एमपी में आपका ज़्यादा क्वेश्चन बनता है उत्तराखंड में। 272 न्यायालयों की भाषा, हेडिंग डालिए तो धारा 272 272 न्यायालयों की भाषा। एमपी का मॉडल देखिए कैसे बना है, न्यायालयों की भाषा का प्रावधान किस सेक्शन में है, पहला क्वेश्चन। तो कौन मारेंगे 272। दूसरा क्वेश्चन, इस धारा में सबॉर्डिनेट कोर्ट की भाषा का प्रावधान है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की तीनों, तो ये क्वेश्चन आपका नया बन सकता है। तो इस धारा में केवल अधीनस्थ न्यायालयों यानी कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के लैंग्वेज के बारे में प्रावधान है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं। लिखिए, इस धारा के तहत केवल अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा का प्रावधान है, ये पूछ सकता है, नया मॉडल भी बनाया जाए, सबॉर्डिनेट कोर्ट शॉर्टकट में लिखिए भाई। तीसरा पॉइंट जो एमपी और तमाम राज्य बनाए हैं कि अधीनस्थ न्यायालयों में कौन सी भाषा यूज की जाएगी, इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, 4 ऑप्शन देगा, सत्र न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उच्चतम न्यायालय द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो क्या मार कराएंगे, राज्य सरकार। लिखिए, इसका निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका एमपी बना चुका है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आपका राज्य सरकार द्वारा, इसका निर्धारण लिखिए तेजी से थोड़ा, राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, क्योंकि आपका सीपीसी है नहीं बिहार में, तो सीपीसी में भाषा न देखी जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा किस अनुच्छेद में, वो जरूर लिखिए, 348 लिखिए। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद लिख लीजिएगा 348, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कोरिलेट करना है, 348 अनुच्छेद 348 में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों की भाषा का प्रावधान है, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों की, अनुच्छेद 348 पूछ सकता है भाई वहाँ से भी। अगला आइए, अब 273 आइए, यहाँ से एक क्वेश्चन ज़्यादा चांस रहता है बनने का, हेडिंग डाल लीजिए साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना,
साक्ष्य का यानी कि एविडेंस का, साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। देखिए आपका कल ही प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत बताया गया और पहला सिद्धांत हमने कौन सा बताया था, आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी क्या किया जाए, सुना जाए। तो दूसरे पक्षकार को कैसे सुना जाएगा, तो जब अभियुक्त के पीठ पीछे साक्ष्य लिया जाएगा कि उसके सामने, यानी कि जब अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित हो तब उसके विरुद्ध एविडेंस लिया जाए। ये प्राकृतिक न्याय का क्या है सिद्धांत, आडी अल्ट्रम पर्टम में ये समाहित है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन बनता है वह ये बनता है कि कब साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, और वही सेक्शन बनता है क्वेश्चन जो बना है। तो चार पांच सेक्शन याद करना है, फिर एक बार देखिए, कब अभियुक्त की उपस्थिति साक्ष्य लेते समय आवश्यक नहीं है, तो ये 273 का एक्सेप्शन होगा और वह अपवाद ही जानना है। तो पहले लिख लीजिए भाई, लिखिए सामान्य नियम यह है कि, सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक साक्ष्य, सामान्य नियम यह है कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक साक्ष्य उसकी उपस्थिति में लिया जाएगा, उसकी उपस्थिति में लिया जाएगा, लेकिन निम्नलिखित धाराओं के तहत, यही अच्छे से तैयार करके जाइएगा, लेकिन निम्नलिखित धाराओं के तहत साक्ष्य लेते समय, लेकिन निम्नलिखित धाराओं के तहत साक्ष्य लेते समय अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। अब कब कब अभियुक्त की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, आपका सेक्शन जरूर याद रखिए। लिखिए पहला 115 धारा, धारा याद करके जाइएगा, 115 पहला कौन सा सेक्शन हो गया, 115, दूसरा आपका 205, दूसरा आपका लिखिए 205, 205, तीसरा लिखिए 299 जो हम बता रहे हैं, आपका ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था बिहार इंटरव्यू में कि जब अभियुक्त फरार हो गया हो या तुरंत गिरफ्तार करने की संभावना न हो, तो ऐसी दशा में बिना उसकी उपस्थिति के ही उसके खिलाफ क्या लिया जा सकता है साक्ष्य, ये कौन सी धारा, 299 बताया जाएगा आगे अभी। और 317 में ये है, ये भी पूछा जाता है जब अभियुक्त न्यायिक कार्यवाही में बार बार विघ्न डालता हो, तो अगली धारा लिखिए 317, इसके बाद 253 भाई गलत हो गया, सुधार कर लीजिए, अगला 253 253 पांच धाराएं रट कर जाइएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूरा चांस रहता है बनने का भाई। फिर एक बार सेक्शन याद कर लीजिए, पहला सेक्शन हमने कौन बताया 115, दूसरा 205, तीसरा 299, तीसरा जो है चौथा 317 और पांचवा आपका 253 में भी है, आने की आवश्यकता नहीं है न्यायालय में। इसके बाद 274 आइए, समन मामलों में जांच में अभिलेख, यानी कि समन मामलों में जो जांच में अभिलेख तैयार होगा क्या लिखा जाएगा, तो बस एक एक लाइन सारांश लिखा जाएगा,
छोड़ सकते हैं, एमपी ज्यादा बनाता है। इसके बाद 275 वारंट मामलों में अभिलेख, तो वारंट मामलों में कैसे लिखा जाएगा आपका साक्ष्य वृत्तांत लिखा जाएगा, कैसे? तो बस एक लाइन याद रखिए, 274 समन मामलों में कैसे साक्ष्य लिखा जाएगा, हूबहू कि सार लिखा जाएगा, तो क्या मार कर आएंगे, सार। वारंट मामलों में क्या लिखा जाएगा, पूरा वृत्तांत, यानी कि पूरा डिटेल में। इधर क्वेश्चन आपका बनता है, वो देखिए आपका, इधर आपका 280 बनता है, 280 डायरेक्ट आ जाए 280 पर। आपका साक्षी की भाव भंगी के बारे में टिप्पणियां, यानी कि आपका कह सकते हैं कि डी माइनर के बारे में कमेंट करना, टिप्पणी करना। और धारा 280 से क्वेश्चन ज्यादा बना है, गवाह के डी माइनर, इसका मतलब ये हुआ कि जब गवाह साक्ष्य देने आया तो ऐसी दशा में वह क्या कर रहा था। कुछ लोग होते हैं कि डांस करते समय साक्ष्य देते हैं, कुछ लोग हैं कि हाथ चमका कर साक्ष्य देंगे, साक्षी रहेगा तो एकदम कांपते हुए साक्ष्य देगा, या चेहरा आपका गुस्से में लाल करके साक्ष्य देगा, यानी कि क्या हरकत कर रहा था गवाह, जब क्या दे रहा था गवाही, तो ये न्यायालय ये लिख सकता है कि नहीं, बताइए। तो किस धारा में सीआरपीसी के, आपका धारा कह सकते हैं कि 280 गलत ना हो, साक्षी की भाव भंगी कहाँ है, 280। बहुत पूछा जाता है, एक बार UPAPO में कोरिलेट करके पूछा, और वहीं सतर्क रहना है, एविडेंस में चले जाइए। भाव भंगी आपका दिखाया जाता है साक्ष में, तो आचरण की धारा में कंडक्ट गवाह दिखाया जाता है 8, तो जोड़ लीजिए। तो एविडेंस में भाव भंगी या आचरण पूछे तो आपका कौन सा जवाब रहेगा, सेक्शन 8, भाई भाव भंगी या आचरण कंडक्ट पूछे तो कौन सा, 8। इसके बाद सीपीसी कोरिलेट न करिए, क्योंकि भाई उलझ जाएगा मामला, उज्जे के लिए चलेगा तब, क्योंकि सीपीसी में भी है, हर एक जगह है, लेकिन 280 से लेकर आपका भाई UPAPO में कोरिलेट करके पूछा गया है कि भाव भंगी के बारे में कहाँ प्रावधान है, तो सीआरपीसी 280 और एविडेंस का 8 आपका कह सकते हैं कि कंडक्ट, यानी कि आचरण या हाव भाव चाल चलन रहन सहन। 280 के बाद आपका आ जाइए 282, एमपी ज्यादा पूछा, लिखिए। द्विभाषिया ठीक ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा, द्विभाषिया यानी कि जो ट्रांसलेटर होगा, द्विभाषिया ठीक ठीक माने सही सही भाषांतर यानी कि ट्रांसलेशन करने के लिए क्या होगा, बाउंड होगा, बाध्य होगा। अब आइए कब आपका द्विभाषिया की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान समझिए। जब गवाह किसी अन्य भाषा में साक्ष्य दे और न्यायालय की भाषा कोई अन्य हो, तो ऐसी दशा में एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा जो गवाह की बातों को क्या करेगा, ट्रांसलेट करता रहेगा, किस भाषा में, न्यायालय की। मान लीजिए गवाह आ गया आपका कह सकते हैं चीन से, और चीनी भाषा में गवाही देने लगा, और यहाँ किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो एक ट्रांसलेटर रखा जाएगा जो हिंदी में क्या करेगा, तो सही सही करे कि गलत गलत, और अगर गलत कर दिया तो क्या परिणाम होगा, बताइए, दंड का भागी होगा कि नहीं, IPC के तहत वह दंड का क्या होगा। अगला लिखिए भाई आपका खंड ख, साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करिए। अब देखिए कमीशन, बस एक लाइन समझ लीजिए तब शुरू किया जाए, इधर छोटी छोटी धाराएं हैं, हेडिंग ज्यादा पूछी जाती है। कमीशन का मतलब ये हुआ
कि एक आयोग गठित कर दिया जाएगा, आयोग जारी होगा, वह आयोग कह सकते हैं जाकर गवाह की परीक्षा करेगा और परीक्षा करने के बाद न्यायालय को रिपोर्ट भेज देगा कि हमने गवाह ने क्या क्या बताया। इसी को हम क्या कहते हैं, कमीशन। कमीशन के लिए सीपीसी में भी प्रावधान है, धारा 75 से लेकर आपका 78 तक। कहाँ से कहाँ तक? सीपीसी में धारा 75 से लेकर 70 आपका 8 तक है और आर्डर 26। लेकिन सीपीसी न जान के हमें मुख्य रूप से कहाँ रहना है, सीआरपीसी में आपका रहना है। अब यहाँ जो क्वेश्चन भाई छांट छांट के पढ़ना है, और देखिए 6-7 धारा, 5-6 धारा इधर अच्छे से तैयार रखिएगा। देखिए आपका 284 देखिए, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाएगी और कमीशन जारी किया जाएगा। तो न्यायालय ये समझता है कि गवाह को बुलाने में बहुत खर्चा लगेगा, बहुत असुविधा होगी, गवाह ऐसा है आ ही नहीं सकता, तो क्या जारी कर दे, कमीशन। कमीशन जाकर गवाह से पूछताछ करे और पूछताछ करने के बाद कोर्ट को रिपोर्ट दे दे। कौन सी धारा? 284। आपका जो यहाँ पूछा जा सकता है कि किनके लिए, अगर कौन गवाह है तो ये बाध्यकारी है कि कमीशन जारी किया ही जाएगा। तो फिर एक बार देखिए यही पॉइंट लिखवाना है। सामान्यतः आयोग जारी करना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है, लेकिन कुछ मामलों में न्यायालय बाध्य है कि कमीशन ही जारी करे, गवाह के रूप में उन व्यक्तियों को न बुलाए। तो किनकी परीक्षा के लिए कमीशन जारी किया जाएगा, बुलाया नहीं जाएगा? तो आप बुलाया नहीं जाएगा कोर्ट में, तो हम जो बड़े अधिकारी हैं, बड़े आपका कह सकते हैं कि आपका भारत में लोग हैं। तो कौन कौन भारत में लोग हैं बड़े? एक राष्ट्रपति हो गए, दूसरा कौन? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन हो गए? राज्यपाल। और संघ शासित प्रदेश हैं तो प्रशासक। तो किनके लिए कमीशन ही जारी किया जाएगा परीक्षा के लिए, कोर्ट बुला नहीं सकता, तो किनके लिए? चार लोगों का नाम याद रखे, कौन कौन है? राष्ट्रपति और कौन? उपराष्ट्रपति और कौन? राज्यपाल और कौन? आपका संघ शासित प्रदेशों के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, प्रशासक होते हैं, और जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल भी शामिल हैं, जैसे दिल्ली में है। ये नहीं कि वो मैंने इनकी परीक्षा अगर करना है किसके रूप में, गवाह के, तो कमीशन जारी करना बाध्यकारी है, अन्यथा अन्य में किया भी जा सकता है या बुलाया भी जा सकता है। चार नाम याद रखिएगा बेरेक से। इसके बाद आपका 285 छोड़ देना है, कमीशन का निष्पादन। पक्षकार परीक्षा कर सकते हैं, कमीशन का लौटाया जाना। फिर आपका बनता है 289 कार्यवाही का स्थगन। इधर से 289 से क्वेश्चन बनता है भाई, 289 कार्यवाही का स्थगन, एडजर्नमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि कार्यवाही का स्थगन यानी कि कमीशन जारी हुआ है, तो जब तक कमीशन परीक्षा करके न्यायालय को रिपोर्ट न दे दे, न्यायालय उस मामले में कार्यवाही क्या कर सकता है, उस समय के लिए स्थगित कर देगा, रोक देगा। तो बताइए कौन सी धारा है, सेक्शन पूछा गया, कौन सी धारा? 289 में है। अब यही संविधान में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति संविधान के तहत क्या नहीं कर सकता। तो लोकसभा को आहूत करना, सत्र को आहूत माने भाई बुलाना, कॉलिंग करना, लोकसभा का सत्रावसान करना, करता है, बुलाता भी है। लोकसभा को भंग करना, ये भी राष्ट्रपति का कार्य है, लेकिन लोकसभा में हंगामा कर दिए सांसद तो उसको आपका स्थगित करना, तो स्थगित कौन करता है? राष्ट्रपति की लोकसभा का अध्यक्ष, हाँ, लोकसभा का
ये क्वेश्चन बन चुका है कि राष्ट्रपति क्या नहीं करता। तो दो पॉइंट याद रखिए, लोकसभा और राज्यसभा को स्थगित नहीं करता, और दूसरा याद रखना है कि राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका विघटन नहीं हो सकता। इसके बाद आपका 291 से मिलाने के लिए आता है भाई, 291 से 293 तक मिलाने के लिए आ जाता है लिस्ट कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भाई देखिए, ये एमपी में भी बना है, यूपी में भी, उत्तराखंड में भी, और भाई ये तो रट्टा मारना पड़ेगा और हमारे पास कोई इसका उपाय नहीं है। तो लिखिए 291 चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष, उसको लिस्ट बना लीजिए और ये रट कर जाइएगा, कुछ चीजें अब रटिए। 291 चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष, चिकित्सकीय साक्षी का अभिसाक्ष धारा और मिलाने के लिए आता है और ज्यादा नहीं पूछा जाता। चिकित्सकीय साक्षी का साक्ष किस धारा में अभिसाक्ष है, तो 291। इसके बाद लिखिए 291A, कैपिटल ए लिखिएगा, 291A नई धारा है, 291A मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। शिनाख्त रिपोर्ट का मतलब आइडेंटिफिकेशन परेड की रिपोर्ट, या शिनाख्त को हम कहते हैं पहचान की रिपोर्ट, ना है तो लिख लीजिए, शिनाख्त ना है तो आसान भाषा में लिखिए पहचान की रिपोर्ट, शिनाख्त। इसको शुद्ध हिंदी में अनन्यता कहा जाता है, अनन्यता। जब आप एविडेंस की धारा 9 में देखेंगे तो इसको पहचान और शिनाख्त नहीं लिखा है, इसको बेयर एक्ट में क्या लिखा है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की अनन्यता, आपका ये अनन्यता है। तो अनन्यता का मतलब क्या हुआ, पहचान। तो बताइए तो आप दो चार लाइन, पहचान परेड की धारा में एविडेंस में सुसंगत है, 9। कुछ पहचान किससे की जा सकती है, कपड़ा देखकर, चेहरा देखकर, आवाज से, फोटो मिलान करके, उपर्युक्त सभी, फोटो से की जा सकते हैं कि नहीं, चलिए आवाज से, शरीर पर चिन्ह से, चलिए ठीक है, उपर्युक्त सभी मार दीजिएगा। कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य, तो कुत्ते द्वारा खोजा गया साक्ष्य की धारा में सुसंगत है, 9 में। केस याद रखिएगा, कौन सा केस है, अब्दुल रजाक, और कुत्ते द्वारा खोजे गए साक्ष्य को कौन साक्ष्य माना जाता है, वैज्ञानिक, साइंटिफिक, वैज्ञानिक साक्ष्य, UPAPO में आ चुका है, गलत ना हो। तो आइए, तो आपका माने जो शिनाख्त कार्रवाई की जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, तो वह आपका किस धारा में, 9 में सुसंगत है, और आपका CRPC की धारा 54A पढ़ना है, पूछा गया है शिनाख्त की धारा में CRPC की 54A, और यहाँ आपका कौन सी धारा पढ़नी है, रिपोर्ट पेश की गई कोर्ट में, तो 291A। इसके बाद लिखिए 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य, यानी कि जो मिंट के अधिकारी हैं, टकसाल के अधिकारी हैं, तो टकसाल कहीं सुने कि नहीं, टकसाल में क्या छपता है, हाँ मुद्रा, सही कह रहे हैं, जो जितने नोट पर चोट आप लोग करते हैं ये टकसाल में ही छपता है, और आपका कह सकते हैं सिक्का छापना, नोट छापना। तो टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य की धारा में है 292, नोट पर चोट करिए, किस धारा में, 292। 293 आ जाइए, कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट, कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट कौन सी धारा में है, तो आपका 293 देखिए आपका, फिर बता दिया जाए, एक बार UPAPO ने 293 से अंदर से क्वेश्चन बनाया है,
और 293 का क्लाज 4 एक बार घर पर पढ़ेंगे, लिख लीजिए। तो 293 का क्लाज जो 4 है आपको भाई घर पर सलाह दी जाती है कि एक बार क्या करिएगा, अगर संभव हो तो ये लिस्ट याद रखिए। देखिए मॉडल में बता दूं, 293 निम्नलिखित में से किस सरकारी वैज्ञानिकों पर लागू नहीं होगी, तो इसमें कुछ लिस्ट दिया गया है और उस लिस्ट में आपका रासायनिक परीक्षण, मुख्य विस्फोटक निदेशक, उंगली छाप कार्यालय निदेशक, तमाम बातें हैं और उसी लिस्ट में से एक बाहर का रहेगा, एक बार UPAPO ने बनाया है। तो अगर चाहते हैं कि भाई अंदर से पूछे और हम कर लें तो भाई ये लिस्ट याद करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अगला यह 294 छोड़ दीजिए, 295, 296 फिर पूछी जाती है शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य की धारा में, तो 296 लिख लीजिए। शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य का एक लाइन याद करना है, 200 आपका 96 में है। इसके बाद जो आपका पूछा जाता है 297 से क्वेश्चन बन सकता है, 297 प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, हेडिंग डालिए तो 297 प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा, यानी कि ओथ कौन दिलवाएगा भाई, किसके समक्ष आप ओथ लेंगे, तो ओथ कमिश्नर भी नियुक्त होते हैं याद रखिए, तो कौन ओथ दिलवा सकता है, सतर्क रहना, लिस्ट बना लीजिए, मैं लिखवा दे रहा हूँ लिस्ट। पहला कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो क्या न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट ओथ दिलवा सकते हैं कि नहीं, दिलवा सकते हैं, लिखिए उसको, यहाँ भी लोग भ्रम में आ जाएंगे, कार्यपालक को छोड़ देंगे लेकिन दिलवा सकता है, लिखिए कोई न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट या कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तीनों लिखिए। अब उच्च न्यायालय ओथ कमिश्नर नियुक्त करता है भाई, कुछ पैसा मिल जाता है साल में कमीशन उसका, तो लिखिए दूसरा, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर, भाई कोर्ट ऑफ सेशन भी करता है अपने यहाँ, उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई शपथ कमिश्नर और तीसरा नोटरी अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई नोटरी, तो नोटरी से भी जाकर बनवाते हैं आप लोग शपथ पत्र, नोटरी अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई नोटरी। तो अब देखिए कौन शपथ पत्र शपथ दिलवा सकता है, शपथ पत्र पर दे देगा न्यायाधीश, फिर दे देगा सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति, उपर्युक्त सभी, तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी। दूसरा मॉडल, न्यायाधीश मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट उपर्युक्त सभी, तो क्या मार कराएंगे, उपर्युक्त सभी, यानी कि इतने लोग आपका क्या कर सकते हैं, तो आपका ओथ दिलवा सकते हैं। इसके बाद 298 लिखे भाई, 298 से क्वेश्चन आपका ज़्यादा बनता है निश्चित तौर पे, यहाँ थोड़ा समय भी लगेगा और कोरिलेशन यहाँ आपका ज़बरदस्त होना चाहिए और एक या दो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। लिखिए प्रीवियस कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि, 298 लिखिए भाई, प्रीवियस कन्विक्शन या पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति, यानी कि प्रीवियस एक्विटल, दोनों लिखिएगा, पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित
की जाए। पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन या पूर्व दोष मुक्ति या प्रीवियस एक्विटल कैसे साबित की जाए। दोनों का पहले मतलब समझिए तब आपका एड करवाया जाए। देखिए पूर्व दोष सिद्धि का मतलब ये हुआ कि अभियुक्त एक बार कम से कम पहले भी किसी मामले में सजा पा चुका है, इसको हम क्या कहेंगे पूर्व दोष सिद्धि। और पूर्व दोष मुक्ति का मतलब ये हुआ कि जो अभियुक्त हैं वह एक बार कम से कम किसी अपराध में बाइज्जत बरी हो चुका है, दोष मुक्त हो चुका है, यानी कि बाइज्जत क्या हो चुका है कोर्ट से बरी। तो आखिर इसको साबित करने का तरीका या आपका एविडेंस में है, लेकिन सीआरपीसी में भी साक्ष्य के विशेष नियम दिए गए हैं 298 में, और बताया गया है कि दोष मुक्ति हो या दोष सिद्धि हो कैसे साबित की जाएगी। तो पहले 298 निपटा लिया जाए। अब देखिए आपका सामान्य अगर क्वेश्चन बना तो पूर्व दोष सिद्धि या पूर्व दोष मुक्ति कैसे साबित की जाएगी, किस धारा में, बहुत बार ये सेक्शन बना है भाई, अंडरलाइन कर लीजिए, गलत ना हो, बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि ये अति आवश्यक है पढ़ना, ये नहीं कि ऐसे ही एमपी एक बार अंदर बनाया तो अंदर से हम लिखवा देते हैं तब कोरिलेट करते हैं। पहले दोष मुक्ति चला जाए, कोई अभियुक्त एक बार दोष मुक्त हो चुका है या पहले माने किसी अपराध में बाइज्जत क्या हो चुका है बरी, ये कोर्ट में कैसे प्रूफ किया जाएगा ये पूछ सकता है। तो एक ही उपाय है कि जिस न्यायालय ने दोष मुक्ति का निर्णय सुनाया था उस न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करके, यानी कि उस न्यायालय के निर्णय की सर्टिफाइड कॉपी निकालिए और पेश कर दिया जाए कि हजूर देखिए इस न्यायालय ने निर्णय दिया था और इसे बाइज्जत क्या किया था बरी लिखे। तो पूर्व दोष मुक्ति अभी लिखवाई जा रही है, दोष सिद्धि नहीं, पूर्व दोष मुक्ति न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करके साबित की जा सकेगी। एक ही तरीका है, सतर्क रहिए, कितने तरीके हैं, एक क्या, हाँ सर्टिफाइड कॉपी निकाल लिखिए, पूर्व दोष मुक्ति न्यायालय के निर्णय के प्रमाणित कॉपी यानी कि प्रमाणित प्रति पेश करके साबित की जा सकेगी। शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं भाई, इतना लंबा थोड़ा हो गया वाक्य, आप अपनी भाषा में लिखिए, हमें नहीं समझना है, आप अपनी भाषा में इतना लिखिए शॉर्टकट में कि आप समझ सकें, कम शब्दों में लिखने का प्रयास करिए। अब आइए पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित तीन तरीके से साबित की जा सकती है, हेडिंग डालिए। तो यही एमपी में अंदर जाकर पूछा था, हो सकता है बिहार अंदर जाकर पूछ ले भाई, एमपी का मॉडल है ये। पूर्व दोष सिद्धि यानी कि प्रीवियस कन्विक्शन, पूर्व दोष सिद्धि निम्नलिखित तरीकों से साबित की जा सकेगी। अब कौन कौन से तरीके हैं आपका, वही तरीका लिखना है, तीन तरीके हैं और तीनों तरीकों को एक जगह एकत्र कर लेना है और तीनों आए तो उपयुक्त सभी मार देना है। तो पहला तरीका तो जिस न्यायालय ने सजा दिया था उस न्यायालय के निर्णय की क्या पेश कर दिया जाए, प्रमाणित प्रति लिखिए। न्यायालय के शॉर्टकट में थोड़ा लिखवा जा रहा है पूरा वाक्य नहीं, पहला तरीका क्या हो गया, न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करके, थोड़ा शॉर्ट किया हूं शब्दों को, पहला तरीका न्यायालय के निर्णय की क्या पेश कर दिया जाए, प्रमाणित कॉपी। दूसरा तरीका लिख लिए, हल्का तेजी लाइए, सुपुर्दगी के वारंट को पेश करके,
सुपुर्दगी के वारंट को पेश करके, कमिटल के वारंट को, देखिए इसमें क्या होता है, जब न्यायालय सजा दिया तो जेलर के नाम वारंट जारी किया कि हमने ये सजा दी है और आप अपनी जेल में इस कैदी को इतने दिनों तक रखिए। तो वह जो वारंट है जो किसने जारी किया था जेल को सुपुर्द करने के लिए अभियुक्त को, न्यायालय ने वह वारंट पेश करके भी पूर्व दोष सिद्धि को क्या किया जा सकता है, साबित। अच्छे से याद रखिएगा, तीसरा एक तरीका है जेलर के प्रमाण पत्र द्वारा, तीसरा लिखिए भाई तरीका, जेलर के प्रमाण पत्र, जेलर है कि भार साधक अधिकारी भाई, जेलर ना लिखे भाई, इसको लिख लीजिए शुद्ध भाषा में, कभी काल भरमा देता है, थोड़ा इसको भाषा चेंज कर लीजिए, जेल के भार साधक अधिकारी के प्रमाण पत्र द्वारा, भाई जेल के भार साधक अधिकारी लिखिएगा, जेल के भार साधक अधिकारी के प्रमाण पत्र द्वारा यानी कि जेलर जो है वह एक प्रमाण पत्र दे दे कि यह व्यक्ति हमारे जेल में इतने दिनों तक इस अपराध में सजा काटा है, यही प्रमाण पत्र। तो कितने तरीके हो गए बताइए, तीन। तो क्या मार कराएंगे, एमपी का मॉडल है उपायुक्त, फिर एक बार समझिए, बहुत कठिन मने आपका है, लोग भ्रम में आ जाते हैं। दोष मुक्ति को कैसे साबित किया जाएगा, केवल एक तरीका है, न्यायालय के क्या निर्णय की प्रमाणित प्रति। दोष सिद्धि को कैसे साबित किया जाएगा, तीन तरीके हैं, कौन कौन, प्रमाणित प्रति, दूसरा जो वारंट जारी हुआ था वो, और तीसरा जेलर का या जेल के भार साधक अधिकारी का क्या प्रमाण पत्र, और अंत में क्या मार देंगे, उपायुक्त सभी आएगा तो उपायुक्त सभी। अब देखिए आपका जहाँ जहाँ सीआरपीसी में पूर्व दोष सिद्धि है पहले उसको लिखा जाता है, तब एविडेंस, तब आईपीसी आपका, तब संविधान। चार एंगल से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, ये नहीं कि आपका ऐसे। तो पहला क्वेश्चन आया सीआरपीसी में, लिखिए आपका सीआरपीसी में लिखिए भाई, धारा 211 का क्लाज 7, सीआरपीसी में हम चल रहे हैं पूर्व दोष सिद्धि, अन्य धाराओं में सीआरपीसी की धारा 211 का क्लास 7 पूर्व दोष सिद्धि का आरोप, प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज किसमें दिया गया है, धारा 211 का कौन सा क्लाज है, 7 क्लाज वाइज लिखिएगा, पूछा गया है। इसके बाद आपका पूछा जाता है, लिख लिए क्लास 7। अगला आपका 236 पूछा जाता है कि सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में पूर्व दोष सिद्धि की धारा में, तो कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण में कौन सी धारा, 236 कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारण में, इतना फोन कर रहा है, हेलो, हाँ बताइए हो, हाँ हाँ 11 बजे से होगा, आइए ठीक। देखिए आपका अगला क्वेश्चन बनाइए, पूर्व दोष सिद्धि के बारे में सीआरपीसी में और जगह भी प्रावधान है छोटे छोटे, लेकिन मुख्य लिखवाया जा रहा है, एक इधर है आपका 356 है कि 57 भाई, एक सेकेंड भाई, 356 लिखिए भाई, 356 पूर्व दोष सिद्ध व्यक्ति द्वारा पते की सूचना, ये भी आगे बताया जाएगा कितने दिन के लिए पता बताएगा कहाँ रह रहा है, ये भाई नियम है आपका, समय पूछा जाता है।
देखिए पूर्व दोष सिद्ध अपराधी के पते की सूचना कौन सी धारा, तो आपका 256 सीआरपीसी। हाँ 356 भाई, 356 356 200 नहीं भाई, वो दिमाग इधर उधर फोन आ जा रहा है ना, इसीलिए दिमाग एक सेकंड इधर उधर हुआ तो सेक्शन गलत हो जाएगा। देखिए अगला भाई है पूर्व दोष सिद्धि, थोड़ा आपका एविडेंस में अब देखा जाए, सीआरपीसी समाप्त एविडेंस अब चलिए। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आपका कवर होगा, लिखिए साक्ष्य अधिनियम में पूर्व दोष सिद्धि, साक्ष्य अधिनियम में पूर्व दोष सिद्धि, तो आप लोग बताइए पूर्व दोष सिद्धि एविडेंस में कहाँ कहाँ है। तो पहला सेक्शन मिलता है 14 और 14 का एक्सप्लेनेशन कौन सा है, फर्स्ट की सेकंड की थर्ड सेकंड। लिखिए धारा एविडेंस में लिखवाया जा रहा है, लिखिए धारा 14 का स्पष्टीकरण 2 में, पूरा एक एक लाइन लिखिए, धारा 14 के स्पष्टीकरण 2 में पूर्व दोष सिद्धि बुरे सील के रूप में सुसंग, नहीं पूर्व दोष सिद्धि मन की बुरी दशा के रूप में सुसंगत है, रूप भी जानना है किस रूप में, अलग अलग व्यू है, मन की बुरी दशा के रूप में सुसंगत है, अच्छी नहीं कौन सी दशा, मन की बुरी दशा अच्छी ना मार दीजिएगा, की धारा में 14 का किस में स्पष्टीकरण 2। इसके बाद आपका धारा 40 देखना है, लिखिए एविडेंस की धारा 40 में 40, धारा 40 में पूर्व दोष सिद्धि पूर्व निर्णय के रूप में सुसंगत है, एविडेंस की धारा 40 में 40 में पूर्व दोष सिद्धि पूर्व निर्णय के रूप में सुसंगत है, भाई पूर्व निर्णय याद रखिएगा पहले। इसके बाद लिखिए एविडेंस की धारा 54 का स्पष्टीकरण 2, दो ही है ना भाई, एक बार देख लिया जाए नहीं तो पता लगा कि, एक सेकंड भाई स्पष्टीकरण देख लेने दीजिए नहीं तो, एविडेंस वाला देखिए तो आप, हाँ लिखिए भाई नहीं गलत ना हो ना भाई, इस समय गलती का मतलब कि जाकर वहाँ भी गलत कर देंगे तो ठीक है, हमें भी भाई सब कुछ याद नहीं है, आपका एक बार देख लेना ये क्या है उचित है, क्योंकि इस इधर गलती हो जाएगी तो फिर सुधारना आपके लिए मुश्किल होगा। लिखिए धारा 54 का यानी कि 54 का एक्सप्लेनेशन नंबर 2 में पूर्व दोष सिद्धि बैड कैरेक्टर बुरे सील के रूप में सुसंगत है, बैड कैरेक्टर चरित्र बुरा सील लिखिएगा, चरित्र ना लिख दीजिएगा, बुरे सील के रूप में सुसंगत है बैड कैरेक्टर। इसके बाद लिखिए भाई आपका, लिखिए धारा 153 के अपवाद नंबर प्रथम में, धारा 153 का अपवाद नंबर फर्स्ट में, अपवाद नंबर याद रखिएगा फर्स्ट में पूर्व दोष सिद्धि पूर्व दोष सिद्धि उत्तर का खंडन करने के लिए सुसंगत है, उत्तर का खंडन किया जाता है कंट्राडिक्शन पूछ सकता है, किसके लिए सपोर्ट के लिए नहीं किसके लिए खंडन, जैसे कि एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ इस पर भाई लिख लीजिए तब, उत्तर का खंडन एक उदाहरण बता रहा हूँ,
एक गवाह आया। वकील साहब ने पूछा कि क्या तुम चोरी के लिए पहले कभी सजा पाए हो? गवाह ने कहा कि नहीं पाए हैं। तो गवाह ने उत्तर दे दिया। तो इस उत्तर का खंडन करना है कि गवाह झूठ बोल रहा है। और देखिए हजूर, ये आपका कागज, प्रमाणित कॉपी, ये पहले भी एक बार चोरी के लिए सजा पाया है, अतः ये गवाही देने आया है, इस पर विश्वास न किया जाए। ये कहा जाता है किस में? 153 के किस अपवाद में? फर्स्ट। और कहा है भाई आपका पूर्व दोष सिद्धि? 1 लाइन छोड़कर लिखिए भाई, आगे आईपीसी में लिखिए, वो छोड़ दीजिए, 1-2 लाइन छोड़कर लिखिएगा, अगर कहीं नया मिलता है तो लिखवा दिया जाएगा। आईपीसी में झारखंड में पूछा गया था पूर्व दोष सिद्धि कहाँ सुसंगत है, बताइए। तो आईपीसी अभी झारखंड में एपीओ में आया था, 75 आईपीसी में धारा लिखिए, 75 पूर्व दोष सिद्धि अभी आपका झारखंड में पूछा गया था एपीओ में, आ सकता है बिहार में भी आपका। इसके बाद आईपीसी में पूर्व दोष सिद्धि आपका आ जाएगा, सेक्शन लिखिए 303-307, सेक्शन केवल लिखिए 303, 303, 307। इसके बाद दुराचार में भाई पूछा जाता है पुनरावृत, माने आपका दोबारा दुराचार किया है तो मृत्यु दंड मिलेगा। सेक्शन देखिए फिर आपका, नहीं 376 का कौन सा खंड है, एक सेकंड भाई, फर्स्ट शेड्यूल देखा जाए तब मालूम चल जाए, एक सेकंड भाई। लिखिए 376E पुनरावृत्ति, दुराचार की पुनरावृत्ति किसी महिला के साथ भाई, इसमें मृत्यु दंड है। ये भी पूर्व दोष सिद्धि एक बार हो चुका है, फिर वो अपराध किया, इतना याद रखिए। इसके बाद आपका आईपीसी के बाद संविधान में पूछा जाता है कि पूर्व दोष सिद्धि कहाँ दी गई है, तो लगभग सभी लोग जानते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, तो कौन सी अनुच्छेद में है? आर्टिकल 20 का कौन सा क्लॉज? 2। तो लिखिए संविधान के अनुच्छेद 20 के क्लॉज 2 में पूर्व दोष सिद्धि का प्रावधान है। देखिए सीआरपीसी में तो जो पूछा जाता अभी छूट ही गया, 300 भाई, वो तो सीआरपीसी में बैक हो जाइए भाई, इसीलिए कहा जाता है कि 1-2 लाइन छोड़ दीजिए, 1-2 लाइन छोड़ कर लिखा करिए हर एक कानून में। अभी आपका हर एक जगह पूछा गया था, अभी आपका झारखंड में तो लगातार पूछा जा रहा है, बिहार में भी पूछा गया था। लिखिए सीआरपीसी की धारा, बैक हो जाएगा जहाँ सीआरपीसी लिखवाया गया वहाँ लिख लीजिए कहीं, सीआरपीसी की धारा 300 के क्लॉज 1 में, 300 का क्लॉज 1 लिखिएगा, 1 में पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति का सिद्धांत समाहित है, दोनों पूर्व दोष मुक्ति और पूर्व दोष सिद्धि। देखिए आपका क्वेश्चन इस पर कैसे बनेगा, प्रायर कन्विक्ट मैंने जो झारखंड में दिया था, प्रायर कन्विक्ट का सिद्धांत सीआरपीसी में कहाँ है, तो 300 का कौन सा क्लॉज 1। प्रायर एक्विटल का सिद्धांत कहाँ है, प्रायर एक्विट, एक्विट कहा जाता है मैक्सिम में, प्रायर एक्विट का सिद्धांत कहाँ है यानी कि दोष मुक्ति, तो आपका 300 का कौन सा क्लॉज 1। दो शब्द लिख लीजिए, प्रायर कन्विक्ट और दूसरा प्रायर एक, नहीं प्रायर कन्विक्ट मैंने दोष मुक्ति सिद्धि,
उसको दो शब्द लिखिए भाई, झारखंड में आया था, प्रायर कन्विक्ट और प्रायर एक, नहीं एक्विटल पूरा शब्द नहीं लिखा जाता भाई, वो मैक्सिम है ना, एक्विट वो बाद में इंग्लिश में आई है ना, वो लैटिन में लिखवाया जा रहा है। लिखिए प्रायर कन्विक्ट, हिंदी में लिख लीजिए भले, कई बार ये पूछा जा रहा है, प्रायर कन्विक्ट और दूसरा शब्द प्रायर एक्विट, एक्विट। अब ये पूछा गया था कि धारा 301 में कौन सिद्धांत समाहित है, दोनों की एक, दोनों मार कराइएगा क्या, दोनों पूर्व दोष सिद्धि और पूर्व दोष मुक्ति। तो आपका अभी समय है दो चार मिनट, देखिए दो धारा और बची हैं भाई। आपका 299 लास्ट धारा देख, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष का अभिलेखन, ये भी पूछा जा चुका है। तो 299 की धारा का अपवाद है 273, पहला लिख लीजिए, तो अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष का अभिलेखन 299 में है। पहला क्वेश्चन बन सकता है कि धारा 299 किसका अपवाद है, तो लिख लीजिए 273 का। तो कब अभियुक्त की अनुपस्थिति में एविडेंस लिया जाएगा, तो याद करिए जब अभियुक्त क्या हो गया हो, फरार, और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना हो कि न हो, न हो, बस एक लाइन, वह फरार हो गया हो और तुरंत गिरफ्तार होने की संभावना न हो, तो फरार रहो, तुम्हारी अनुपस्थिति में न्यायालय क्या ले लेगा, साक्ष्य, बस यही याद रखना है। और लिख लीजिए जब अभियुक्त क्या हो गया हो, फरार, उसको लिख लीजिए, जब अभियुक्त फरार हो गया हो और उसकी तुरंत गिरफ्तार किए जाने की कोई संभावना न हो, दो ही पॉइंट बनाना है। 299 भाई काफी पूछा जाता है कि किस धारा के तहत अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य लिया जा सकता है, 299 कब लिया जाएगा, अगला क्वेश्चन, जब अभियुक्त क्या हो गया हो, फरार, और तुरंत अरेस्ट होने की संभावना हो कि न हो, न हो। इस प्रकार आपका 299 तक निपट गया भाई। कल आपका 11 बजे से मैंने CRPC चलेगी, 11 से 12:30 तक, क्योंकि आज टेस्ट है 11 बजे से, तो आपका इसलिए शेड्यूल थोड़ा चेंज किया।